ओशो के अनमोल विचार। ओशो कहते हैं, किसी भी व्यक्ति को जीवन के अपने पड़ावों को समझने के लिए प्रेरणा की जरूरत होती है। शक्ति का संचार और दूसरों से अलग करने की जिद मनुष्य को सही दिशा दे सकती है। इसलिए ओशो ने जीवन को अलग रूप में ही परिभाषित किया है। उनका कहना है कि जिंदगी के हर लम्हे को आज़ादी से जिए, क्योंकि जिंदगी आज है, कल हो ना हो, बस यही सोचकर जिंदगी का हर पल पूरी आज़ादी के साथ जिए। ओशो कहते हैं कि ध्यान सबसे बड़ी कुंजी है। मूर्ख व्यक्ति ही दूसरों पर हंसते हैं, बुद्धिमान खुद पर हंसते हैं। मनुष्य हमेशा डर के जरिए ही शोषण किया जाता है। जहां डर खत्म हो जाता है, वहां जीवन शुरू हो जाता है। आप वही बन जाते हैं जो आप अपने बारे में सोचते रहते हैं। चिंता करने का मतलब है ईश्वर की व्यवस्था पर शक करना। खोजना है तो जिंदगी को खोजो, मृत्यु तो वैसे ही एक दिन खोज लेंगे। अगर आप तुलना करना छोड़ दे तो निश्चय ही जिंदगी बहुत खूबसूरत है। वह इंसान जो अकेले रहकर भी खुश है, असल में वही इंसान कहलाने योग्य है। आपकी हंसी ही आपको अमीर बनाती है, और वही हंसी आनंद देने वाली होनी चाहिए। जीवन एक चक्रव्यूह है, जो निकल गया वो बादशाह बनेगा और जो फंस गया वो भिखारी। पुरुष जितना प्रेम शब्द में प्रकट करेगा, उससे कई गुना ज्यादा स्त्री मौन में प्रकट कर देगी। प्रेम तब तक खुश होता है जब वह कुछ दे पाता है। अहंकार तब खुश होता है जब वह कुछ ले पाता है। कोई आदमी चाहे लाखों चीजें जान ले, चाहे वह पूरे संसार को जान ले, मगर वह खुद को नहीं जानता है तो वह अज्ञानी है। एक ही पाप है इस दुनिया में, किसी दूसरे की स्वतंत्रता को छीनना, क्योंकि दूसरे को बदलना राजनीति है और खुद को बदलना धर्म है। जिंदगी एक ही बार मिलती है, तो इसका पूरा आनंद क्यों न ले। निराशा से बाहर आए और जिंदगी के हर पल को खुशी से व्यतीत करें। मैं किसी से बेहतर करूं क्या फर्क पड़ता है, मैं किसी का बेहतर करूं बहुत फर्क पड़ता है। सारी शिक्षा व्यर्थ है, सारे उपदेश व्यर्थ है, अगर वे तुम्हें अपने भीतर डूबने की कला न सिखाते। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आ जाते हैं। परिणाम पाने के लिए आसानी से आगे बढ़ते रहो। भगवान के आदेश से ही सभी कार्य पूरा होते हैं। प्यार की सर्वश्रेष्ठ सीमा आजादी है। किसी भी रिश्ते को खत्म होने का प्रमुख कारण ही आजादी का नहीं होना है। खुद का सम्मान करो, खुद से प्यार करो, क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति कभी नहीं हुआ और फिर कभी नहीं होगा। स्वयं की खोज करें, नहीं तो आपको अन्य लोगों की राय पर निर्भर रहना होगा, जो खुद को भी नहीं जानते हैं। जीवन में आपको जो करना चाहते हैं तो उसे अवश्य करें। यह मत सोचे कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते। असली बात यह है कि तुम अंदर से क्या हो। अगर तुम अंदर से गलत हो तो तुम जो भी करोगे उससे गलत ही होगा। अगर तुम अंदर से सही हो तो तुम जो भी करोगे वह सही होगा। सफाई देने में और स्पष्ट करने में अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। लोग वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। संसार सुंदर है क्योंकि इसे ईश्वर ने बनाया है। जो संसार को गंदा कहता है वह भगवान का तिरस्कार। जिस दिन आपने सोच लिया कि आपने ज्ञान पा लिया है, तो आपकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि अब न कोई आश्चर्य होगा, न कोई आनंद और न ही अचरज। अब आप मृत जीवन जिएंगे।